नाम के लिए काम कर रहे हो, आप इज्जत के लिए काम कर रहे हो, जब आप अपनी वैल्यू क्रिएट करते हो तो पैसा आपके पीछे इतना आता है कि आप देख नहीं पाते हो। ऐसे ही एप्पल ने भी अपने साथ किया था। उसने एप्पल के जब जेफ बेजोस ने अपने इंजीनियर से बोला कि अगर ये चीजें आप जो तैयार कर रहे हो ये इतने मार्केट में हाई रेटेड पे बिकेंगी तो कौन खरीदेगा, तो उन्होंने बताया वैल्यू का मतलब समझाया अपने जो उनके जो इंजीनियर थे कि वैल्यू क्या होती है। उन्होंने वैल्यू के बारे में बताया कि वैल्यू बहुत बड़ी चीज है। आज लाइन लगा करके आज हर एक, मैं मानता हूं मेरा खुद का ये सपना है कि मेरे पास भी आईफोन हो, मेरा खुद का सपना है। और मैं मानता हूं हर एक इंटरनेट यूजर का ये सपना होता है कि उसके पास आईफोन हो, उसके पास एप्पल का आईपैड हो, उसके पास आईपैड हो, उसके पास लैपटॉप हो एप्पल का। क्यों? क्योंकि एप्पल ने अपनी वैल्यू क्रिएट की, उस लेवल की वैल्यू क्रिएट की जब मार्केट में बहुत सारी कंपटीशन की कंपनियां वही सेम फीचर्स मात्र 25,000 में बेच रही थी। उन्होंने क्या किया, एक ब्रांड की वैल्यू की। आप भी एक ब्रांड बनने वाले हो। मिस्टर एस सुफारिश सर ने वो चीजें जो बताई हैं वो बिल्कुल रियल हैं। और उस टाइम से हम सब जानते हैं कि डेफिनेटली हमारी जो ब्रांडिंग है बहुत अच्छे से होने वाली है, हम उस लेवल पे जाने वाले हैं जो बोल सकते हैं कि हम जब हम इसके बारे में सोचते हैं ना कि यार कब लॉन्च होगी, कब ये चीजें होंगी, कब कब तक ये पैसा आएगा। ये मैंने आज से अभी लगभग 1-1.5 घंटा पहले ये वीडियो मैंने बनाया था। मेरे पास एक बंदे का फोन आया, बोले कि कैब भाई एक बंदा है जो मेरी टीम को पूरा निगेटिव कर दिया है। मैंने कहा भाई क्यों कर दिया है, मीन्स की वो जो फाउंडर हैं उनको सीईओ पे भरोसा नहीं है, मीन्स जो फाउंडर हैं उनको ऑन पैसे पे भरोसा नहीं है, और सबसे बड़ी बात है उनको खुद पे भरोसा नहीं है कि उनकी भी वैल्यू क्रिएट होगी, उनके भी पास भी बहुत अच्छी एक बोलते हैं सोर्स बनेगा, उनके पास भी एक बोल सकते हैं नाम होगा, उनका भी एक ब्रांड बिल्डअप होगा। तो एक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। पैसा हर एक इंसान कमाता है, पैसे बहुत सारे लोग कमाते हैं, पैसा एक मजदूर भी कमाता है, पैसा एक ठेले वाला भी कमाता है, पैसा एक कंपनी वाला भी कमाता है। तो आपकी असल में यहाँ पर एक वैल्यू क्रिएट होगी, एक ब्रांड बिल्ड होगा। तो सबसे बड़ी बात तो समझने वाली ये है ना कि हमें लाखों लोग जानने लगे हैं आप, हमें हजारों लोग पहचानने लगे हैं आप, ये क्या है, ये एक वैल्यू क्रिएट हो रही है। वैल्यू तभी क्रिएट होती है जब आपकी एक ब्रांड बिल्डिंग होती है, तभी तो वैल्यू क्रिएट होगी। तब आप कोई चीज, एक नई चीज प्रोवाइड करोगे तभी वैल्यू क्रिएट होगी। ऐसा थोड़ी ना कि आपने शॉप डाल दी है तब जा करके, जब आप एक नई चीज करते हो तब आपकी वैल्यू क्रिएट होती है। टिकटॉक मात्र 2 सालों में 1.7 बिलियन यूजर तक पहुंच गया। वाय? क्योंकि वो एक नई चीज प्रोवाइड की उन्होंने, भले ही वो चाइना का था लेकिन उन्होंने एक नई चीज प्रोवाइड की और लोगों ने क्या देखा, ये चीज नई है। यहाँ पे शॉर्ट्स आते हैं, यूट्यूब से अलग है, यहाँ पे शॉर्ट आते हैं, स्क्रॉल करना है सिर्फ, है ना। उसने एक वैल्यू प्रोवाइड की, आपको अपनी वैल्यू बनाई, एक ब्रांड बिल्ड किया। अभी भले ही वो बैन हो लेकिन वो अभी भी चल रहा है कई कंट्रीज में। तो इसी तरह से आपकी भी वैल्यू क्रिएट होगी, आपकी भी ब्रांडिंग होगी आप आपकी वेबसाइट से। तो आपको भी लगेगा, आपको लाखों लोग जानेंगे कि दिस इज फाउंडर, ये एक फाउंडर है एक ऐसी कंपनी का जिसको हमने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है। आपको लोग मिस्टर एस बोलते हैं ना, बहुत सारे लीडर बोलते हैं कि लोग आपको ढूंढेंगे किस तरीके से, कहाँ फाउंडर है मेरे आसपास एरिया में, जो भी फाउंडर होगा उसको ढूंढेंगे क्योंकि उसके साथ आने का कुछ और प्रॉफिट होगा, उस कुछ और मजा होगा। अभी तो पूरा इंटरनेट जगत आना बाकी है, पूरी इंटरनेट की दुनिया आना बाकी है, अभी तो हम कुछ एक हैं और सीमित हो गए, बंद गए, हम लोग खत्म हो गए। ये चीजें समझना बहुत जरूरी है और ये सभी लोग आगे चल के समझेंगे कि ये कहीं बातें नहीं है, ये एक रियल है। वैल्यू आप में आपको दी जाएगी, ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी आपकी वैल्यू। ये वैल्यू का बिजनेस है, आपको वैल्यू देगा। तो बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, सभी बोलने का मौका चाहिए। थैंक यू सो मच।